अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर। आज हम बना रहे हैं हमारे व्यूवर्स की फरमाइश पर चिकन फ्राइड राइस, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है और बिल्कुल चंद मिनटों में बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने तेल गरम किया हुआ और उसके बाद मैंने हरी मिर्चें लंबाई में काट के डाली हुई है, आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है, आप चाहे तो आप इसमें क्यूब्स में काट के या फिर चॉप करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने जो चिकन ली हुई है जो बोनलेस है वो भी मैंने क्यूब्स में काटी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ ली हुई है वो भी क्यूब्स में ही कटी हुई है। तो यहाँ मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि चिकन कुक हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें सब्ज़ियाँ डालेंगे। तो यहाँ मैंने ये रेड बेल पेपर, फिर शिमला मिर्च, गाजर और थोड़े से कॉर्न जो बॉयल किए हुए वो डाल दिए। उसको एक आधे से एक मिनट के लिए हम सौते करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने मिर्च, काली मिर्च पाउडर, नमक और फिर उसके बाद मैं सिरका और उसके बाद सोया सॉस डालूंगी और उसको ऐसे आधे मिनट के लिए मिक्स कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर, आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पर ऑमलेट नहीं डाला हुआ है, अगर आप चाहे तो आप ऑमलेट डाल सकते हैं। दो अंडे का ऑमलेट बना लीजिए नमक और काली मिर्च डालकर और फिर उसको चॉप करके इसमें डाल दीजिए। ये यहाँ पे जो राइस है ये फुली कुक्ड है, मैंने उसको 100% बॉईल करके फिर उसको ड्रेन कर लिया था, जिसमें कि मैंने सिर्फ नमक, थोड़ा सा तेल और उसके बाद सिरका डालकर उसको बॉईल कर लिया था। कोशिश कीजिए कि ये आप पहले से बॉईल करके रख ले, क्योंकि उससे आपके चावल मिक्स करते वक्त टूटेंगे नहीं, और स्पेशली अगर आपके पास ये सब्जियां चॉप की हुई है और राइस जो है वो बॉईल किया हुआ है, तो हार्डली 5 मिनट में आपका ये फ्राइड राइस रेडी हो जाता है। बस आप जो सर्व करने से पहले फ़ौरन बना के गरम गरम ही सर्व कर सकते हैं, ये फ़ौरन ही बन जाता है। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ मैं दूसरे 2 चम्मच से ये मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि चावल टूटे नहीं और आसानी से बन जाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी प्याज का हरा हिस्सा, स्प्रिंग अनियन यूज़ किया हुआ है, आप क्वांटिटी आपके हिसाब से देख ले। फिर उसके हम उसको हम गर्म गर्म सर्व करेंगे। और उसके बाद इसमें यही होता है चाइनीज़ राइस में, यही है कि आप आपके हिसाब से सब्जियां या चिकन आपके हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई और सब्जियां भी अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, इवन मशरूम भी डाल सकते हैं। तो उसको एंजॉय कीजिए, मुझे फ़ीडबैक दीजिए और बताइए कि कैसे बना था। देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।